असलकुम वेलकम बैक टू माई चैनल मेजबान शमा सिद्दीकी। आज मैं आप लोगों के साथ डेली स्टाइल देगी चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए फिर देखिएगा आपका भी चिकन कोरमा बिल्कुल दानेदार और देगी स्टाइल बनकर तैयार होगा ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है तो चलिए देख लेते हैं इस टेस्टी सी और आसान सी रेसिपी को कैसे बनाते हैं चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने एक किलोग्राम चिकन लिया है और मैंने इसे अच्छे से धो के उसी पॉट में रखा है जिसमें हमें कोरमा बनाना है अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें से तीन चम्मच धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो छोटी चम्मच नमक अब हम इन सबको इसमें डाल देंगे उसके बाद एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और ये दही है तीन सौ ग्राम जिसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया है अच्छे से फेंट लिया है वो इसमें डाल देंगे उसके बाद मैंने इसमें आधा कप तेल लिया है तेल वही है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था इससे कोरमा और भी ज़्यादा अच्छा बनता है अब हम सारी चीज़ों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के अंदर सारे मसालों का फ़्लेवर अच्छे से चला जाए आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा उसके बाद आधे घंटे के लिए इसे हम मैरिनेट कर देंगे अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं आधा घंटा मैरिनेट होने के बाद हम डायरेक्ट इसे फ्लेम पर रखेंगे पकने के लिए ये देखिए मैंने इसे फ्लेम पर रख दिया है पकने के लिए और उसमें एक बॉयल भी आ गया है अब हम इसे कवर करके दस मिनट के लिए पका लेंगे जब तक कोरमा पक रहा है हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गोल्डन फ्राई की हुई प्याज ली है आप प्याज को इस तरीके से फ्राई कीजिएगा कि वो हाथ से तोड़ने से ही टूट जाए आप इस प्याज को हाथ से तोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो मिक्सी में भी एक बार दरदरा सा पीस के यूज़ कर सकते हैं इस फ्राई की हुई प्याज की वजह से हमारा चिकन कोरमा बिल्कुल दानेदार और देगी स्टाइल बनेगा तो चलिए इस प्याज को हल्का सा दरदरा पीस लेते हैं अब हम कौरमे के लिए एक मसाला बनाएंगे जिसमें मैंने लिया है तीन बड़ी इलायची जिसका मैंने छिलका निकाल लिया है सिर्फ हम बीज ही इसका यूज़ करेंगे आधा छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है चार हरी इलायची ली है और बहुत ही छोटा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होता है जावित्री का आधा फूल लिया है और छः से आठ काली मिर्च के दाने आधी छोटी चम्मच जीरा और छः लौंग लिया है इन सबको जार में रख के हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे ये देखिए दरदरा सा पाउडर बना लिया है हमने अब हम इसको साइड में रख लेते हैं इधर दस मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे ये दही का ही पानी है हमने कोई भी एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं यूज़ किया है अब हम इसमें दर दरा सा पिसा हुआ प्याज डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था और साथ में ही हम ये मसाला डाल देंगे जो हमने कौरमे के लिए बनाया है अब हम इन दोनों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे दो से तीन मिनट के लिए हम भून लेंगे आप देख सकते हैं प्याज डालने से कौरमे का कलर कितना अच्छा लग रहा है और इसमें कौरमे का मसाला डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बस अब हमें इसे ढक के 10 मिनट के लिए और पकाना है 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए ये देखिए बहुत ही लाजवाब कोरमा हमारा बनके तैयार हुआ है बिल्कुल देगी स्टाइल कोरमा बना है ये आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है देखिए कितनी आसानी से दानेदार देगी कौरमा बन के तैयार हो गया है आप देख सकते हैं कितना दानेदार कौरमा बना है ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है अब लास्ट में हम इसमें एक टीस्पून केवड़ा वाटर डाल देंगे जो कि इसकी खुशबू को बढ़ा देता है और देगी खानों में इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है तो बस हम एक बार इसको मिला देंगे और इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे आप हम इसे डिश आउट कर लेते हैं तो इस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार हुआ है ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आपने देखा कि इसे बनाना भी बहुत ही आसान है आप इसे ज़रूर बनाइएगा जो मैंने आपके साथ स्टेप शेयर किए हैं उसे फॉलो कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपका बहुत ही शानदार चिकन कोरमा बनकर तैयार हो जाएगा अगर आज की आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग